हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्वेल्थ कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर वन का चैप्टर नंबर वन दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक का मिसलेनियस एक्सरसाइज वन तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर एट तक All sub -question complete कर दिया था। तो तो आज हम question number nine onwards continue करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड तक वीडियो जरूर देखना तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं तो हमने पे लिखा हुआ है इफ पी क्यू आर आर द स्टेटमेंट्स विथ ट्रूथ वैल्यूज टी टी एफ है रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग तो आपको जो फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसका ट्रूथ वैल्यू आपको बताना है ठीक है पी क्यू आर तो पी एंड क्यू ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेगा और जहाँ पर आर है उसे हमें फॉल्स लेकर के सॉल्व करना है तो देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है पी कंजंक्शन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी सिंपली आपको क्या करना है जहाँ पर पी एंड क्यू है वहाँ पर आपको टी सब करना है और जहां पर R है वहां पे F सब्सटूट करना है उसके बाद जो रूल है वो हमें फॉलो करना है आंसर आपको मिलते जाएगा सो so, देखो दिस इज इक्वी वैलेंटू हो जाएगा जहां पर P है वहां पे T लिखना है ठीक है एंड Q की जगह T लिखना है बिकॉज स्टेटमेंट P एंड Q दोनों को ट्रू लिखने के लिए बोला है ब्रैकेट क्लोज कर दो एज इट इज इंप्लाइज निगेशन P क्या आएगा आपका यहाँ पर आपको T लिखना है सो दिस इज इक्वी टू टी एंड टी आपको मालूम है टी एंड टी टी होता है इम्प्लाइज निगेशन टी तो फॉल्स होता है एंड दिस इज इक्ट टू टी इम्प्लाइज एफ ऑलवेज एफ होता है तो आप आंसर क्या लिखोगे ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज फॉल्स ये हो गया या एफ लिख दो सिंपली सेकेंड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है पी डबल इम्प्लाइज ब्रैकेट में है क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी तो वैल्यू पुट करो सो दिस इज इक्वेल टू पी का वैल्यू ट्रू है और ये देखो आपका हो गया डबल इम्प्लाइज Q का वैल्यू भी आपको ट्रू पुट करना है इम्प्लाइज निगेशन P का वैल्यू देखो आपको ट्रू पुट करना है सो so देखते क्या आता है दिस इज इक्वल टू दिस इज T डबल इम्प्लाइज एज इट इज रहेगा ब्रैकेट देखो ये आपका T इम्प्लाइज निगेशन T तो निगेशन T आपको मालूम है फॉल्स होता है तो फॉल्स लिख दो दिस इज इक्वल एन टू टी और ये डबल इम्प्लाइज ही रहेगा अब यहाँ पर देखो टी इम्प्लाइज़ एफ़ है तो टी इम्प्लाइज़ एफ़ ऑलवेज़ एफ होता है बाकी सब ट्रू होता है तो यहाँ पे लिख दोगे आप एफ़ तो फाइनल आंसर क्या आएगा टी डबल इम्प्लाइज़ एफ़ तो टी डबल इम्प्लाइज एफ एफ आता है बिकॉज रूल्स आपको पता है दोनों स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू अगर सेम रहेगा तो उसका जो डबल इम्प्लीकेशन है यानी कि जो बाइक कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ट्रू आएगा बाकी सब फॉल्स आता है तो ये सेकेंड हो गया एग्जैक्टली सेम वे देखो हम थर्ड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वी वैल टू स्टेटमेंट पी आपका ट्रू है एंड निगेशन क्यू स्टेटमेंट ये भी ट्रू है और ये देखो और हो जाएगा फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट निगेशन स्टेटमेंट पी आपका ट्रू है एंड ये क्यू भी देखो आपका ट्रू है ठीक है सो दिस इज इक्वेल टू क्या हो जाएगा ये टी एंड निगेशन टी आपको मालूम है फॉल्स होता है तो फॉल्स ब्रैकेट लिखो और निगेशन टी देखो फॉल्स होता है एंड ये टी एज इट इज ब्रैकेट ओपन करेंगे सो दिस इज इक्वेल इन टू टी कंजंक्शन एफ तो एफ होता है रूल्स आपको पता है और एफ कंजंक्शन टी तो ये भी एफ आएगा तो ये आंसर आपका देखो एफ हो जाएगा दे आर फोर ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज एफ यानी कि फॉल्स फोर्थ सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है दिस इज इक्वेल इन टू निगेशन पी का वैल्यू आपको ट्रू पुट करना है ठीक है और यहाँ पे देखो दिया है कंजंक्शन फिर क्यू का वैल्यू भी आपको ट्रू पुट करना है इम्प्लाइज निगेशन क्यू का वैल्यू ट्रू एंड पी का वैल्यू आपको ट्रू पुट करना है ये भी सेम है बिकॉज पी एंड क्यू दोनों का वैल्यू ट्रू दिया है क्वेश्चन में सो दिस इज इक्वेलन टू देखो निगेशन और ये टी इम्प्लाइज यानी कि टी एंड टी तो आपको पता है क्या होता है टी कंजंक्शन टी तो ये टी आएगा देन इम्प्लाइज निगेशन ऐसे रहेगा टी एंड टी तो ये भी टी आएगा सो दिस इज इक्वेलन टू निगेशन टी आपको मालूम है एंड रूल आपको वहां पर एफ लिखना है बाकी सब ट्रू आता है दे आर फोर ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू दैट इज टी फिफ्थ वन देखो आपको क्या दिया है फिफ्थ वन है दिस इज इक्ट टू निगेशन ब्रैकेट वैल्यू पुट करते जाओ P का वैल्यू आपको T लेने के लिए बोला है ट्रू इम्प्लाइज Q का वैल्यू भी ट्रू लेना है और फिर यहाँ पर देखो आपको डबल इम्प्लीकेशन है P का वैल्यू आपको ट्रू लेना है एंड निगेशन Q का वैल्यू भी हमें देखो ट्रू लेना है ठीक है सो दिस इज इक्व टू हो जाएगा निगेशन ब्रैकेट में T इम्प्लाइज T आपको मालूम है T और ये देखो आपका हो जाएगा डबल इम्प्लाइज और यहाँ पर क्या दिया है ब्रैकेट रखता हूँ मैं T एंड देखो निगेशन टी आपको पता है क्या होता है निगेशन टी एफ होता है ठीक so है सो देखते हैं फर्दर क्या आता है इसका सिंप्लीफिकेशन सो दिस इज इक्ट निगेशन ऐसे रखो आप बाहर पहले आप ब्रैकेट को पूरा सिंप्लीफाई कर लो टी डबल इम्प्लाइज एज इट इज रहेगा टी डबल इम्प्लाइज टी एंड एफ तो टी एंड एफ एफ होगा और रूल्स आपको पता ही है दिस वे सो दिस इज इक्वेल टू निगेशन T डबल इंप्लाइज F बाई कंडीशनल है तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है दोनों का ट्रुथ वैल्यू अगर सेम रहेगा तो ट्रू आएगा डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स आता है हो जाएगा आपका देखो फॉल्स सो दिस इज इक्वल टू निगेशन F निगेशन F ट्रू आता है देर फोर्ट आप क्या लिखोगे ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू सो टिल फिफ्थ तक हमने सॉल्व कर दिया नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर टेन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर टेन है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो हमें यहाँ पे देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्विलैटरल देन इट इज़ नॉट इक् एंगुलर तो जब भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हम निगेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके बाद अगेन उसे हम वर्बल फॉर्म में लिखेंगे तो गिवन स्टेटमेंट का पहले मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हूँ तो आई विल राइट यर स्टेटमेंट पी हाँ स्टेटमेंट पी हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्विलैटरल तो आप लिख दो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्विलैटरल ठीक है ट्राइंगल ए बी सी इज़ नॉट इक्विलैटरल दिस वे और बाद में फिर आप स्टेटमेंट क्यू लिख दो स्टेटमेंट क्यू है देन के बाद का जो स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट इक्वी एंगुलर तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट यहाँ पे लिखो आप इक्वी एंगुलर हाँ इट इज़ नॉट इक्वी एंगुलर

तो इसका फार्मूला आपको आना चाहिए निगेशन ऑफ़ पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला होता है पी एंड निगेशन क्यू फॉर्मूला आप रिमेंबर रखो एकदम निगेशन ऑफ़ पी इम्प्लाइज क्यू इज़ इक्वेलेंट टू पी एंड निगेशन क्यू तो ये निगेशन हो गया गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का अब इसका वर्बल फॉर्म हम लिखेंगे देअर फोर निगेशन ऑफ़ द गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा पहले पी है तो पी क्या लिखोगे आप यहाँ पे आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट हाँ ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्वी एंग लैटरल हाँ ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्वी लैटरल एंड आएगा यहाँ पे कंजंक्शन है तो एंड लिखोगे निगेशन क्यू है मतलब कि ये जो स्टेटमेंट क्यों उसका निगेशन लिखना है तो स्टेटमेंट क्यू है इट इज़ नॉट इक्वी एंगुलर तो इसका निगेशन क्या आएगा इट इज इक्वी एंगुलर तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड इट इज इक्वी एंगुलर हाँ इट इज इक्वी एंगुलर तो जो गिवन स्टेटमेंट था उसका निगेशन हमने क्या लिखा फाइनली ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्विलैटरल एंड इट इज इक्वी एंगुलर तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया सेकेंड सब क्वेश्चन देखो आपको पूछ रहा है सेकेंड क्वेश्चन है रमेश इज इंटेलिजेंट एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग अगेन ये कंपाउंड स्टेटमेंट है तो पहले हम इसे सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आप दो सिंपल स्टेटमेंट लिख लो स्टेटमेंट पी आएगा रमेश इज इंटेलिजेंट हाँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रमेश Is, यहां पर आप लिखो इंटेलिजेंट रमेश इज इंटेलिजेंट स्टेटमेंट क्यों लिखेंगे हम स्टेटमेंट क्यों आएगा एंड के बाद का जो स्टेटमेंट है ही इज हार्ड वर्किंग तो मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो ही इज हार्ड वर्किंग तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट हो गया देअर फोर सिंबोलिक फॉर्म लिखेंगे हम लोग तो आप लिखोगे यहाँ पे देयर फोर सिम्बॉलिक फॉर्म तो राइट हि देफोर सिंबोलिक फॉर्म इज सिंबिक फॉर्म क्या आएगा रमेश इज इंटेलिजेंट यानी कि पी आएगा फिर एंड यूज़ किया है तो कंजंक्शन ही इज़ हार्ड वर्किंग तो ये क्यू हो जाएगा तो गिवन जो स्टेटमेंट था उसका हमने सिम्बॉलिक फॉर्म लिख दिया अब इसका निगेशन लिखेंगे हम तो आई विल राइट यर देयर फोर निगेशन ऑफ देखो यहाँ पे पी एंड क्यू फॉमूला आपको पता ही है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू होता है निगेशन पी एंड का और हो जाएगा और ये निगेशन क्यू तो जो गिवन स्टेटमेंट था उसका निगेशन ही आएगा अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में है आप इसे वर्बल फॉर्म में लिख दो फाइनल आंसर आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज निगेशन पी तो क्या रीड करोगे रमेश इज नॉट इंटेलिजेंट तो राइट या रमेश हम लिखेंगे यहाँ पे रमेश इज नॉट इंटेलिजेंट रमेश इज नॉट इंटेलिजेंट फिर देखो और है तो आप लिखोगे यहाँ पे और निगेशन क्यू है तो क्या लिखोगे ही इज नॉट हार्डवर्किंग ही इज नॉट हार्डवर्किंग ठीक है तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया देअर फॉर निगेशन ऑफ देखो रमेश इज इंटेलिजेंट एंड ही इज हार्ड वर्किंग तो उसका निगेशन क्या आएगा रमेश इज नॉट इंटेलिजेंट और ही इज नॉट हार्ड वर्किंग तो ये सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया हमने नाउस्टी देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है थर्ड सब क्वेश्चन है एन एंगल इज़ अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री तो इसका हमें निगेशन लिखना है तो सबसे पहले हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले मैं दो सिंपल स्टेटमेंट लिखूंगा स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट पी में लिखोगे आप एन एंगल हाँ एन एंगल इज अ राइट एंगल एन एंगल इज अ राइट एंगल ठीक है बाद में आपका स्टेटमेंट क्यू आएगा स्टेटमेंट क्यों क्या लिखोगे आप इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री राइट so या इट इज ऑफ मेजर हाँ यहां पे लिखेंगे इट इज ऑफ मेजर ये देखो 90 डिग्री हो गया आपका देअर फॉर सिंबोलिक फॉर्म क्या आएगा तो आई विल राइट या सिंबॉलिक फॉर्म देअर फॉर सिंबोलिक फॉर्म इज अब इसका सिंबोलिक फॉर्म क्या लिखेंगे एंगल इज़ द राइट एंगल यानी कि स्टेटमेंट पी आएगा फिर देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ किया है तो जब ईफ एंड ओनली इफ़ यूज़ किया जाएगा मतलब ये डबल इम्प्लीकेशन है यानी कि बाइक कंडीशनल स्टेटमेंट है ये देखो डबल इम्प्लीकेशन आएगा देन क्या लिखा है इट इज़ ऑफ मेजर नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पर पी डबल इम्प्लाइज क्यू आएगा तो ये जो स्टेटमेंट है हमने सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख दिया है अब इसका हमें निगेशन निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे देयर फोर निगेशन ऑफ़ देखो ब्रैकेट में पी डबल इम्प्लाइज़ क्यू अब आपको फार्मूला आना चाहिए निगेशन ऑफ़ पी डबल इम्प्लाइज क्यू का फार्मूला आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है p एंड निगेशन q और लिखते हैं हम लोग q एंड निगेशन p ये फॉर्मूला है तो ये जो निगेशन मिला है हमें ये जो निगेशन मिला है सिम्बॉलिक फॉर्म में मिला है बट हमें तो वर्बल फॉर्म में लिखना है बिकॉज हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो वर्बल फॉर्म में है अब इसी चीज़ को आप वर्बल फॉर्म में लिख दो तो आपको निगेशन मिल जाएगा देअर फॉर क्या लिखोगे निगेशन पी एंड हाँ तो पहले आप पी रीड करोगे तो पी लिखोगे एन एंगल हाँ एंड एंगल इज अ राइट एंगल राइट ही एंड एंगल इज अ राइट एंगल ठीक है एंड एंगल इज़ अ राइट एंगल फिर देखो यहाँ पे एंड दिया हुआ है तो आप लिखोगे एंड An angle is right angle and एंगल इज a राइट एंगल एंड एंड क्या लिखोगे इट इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री एंड आप लिखोगे इट इज ऑफ नॉट मेजर 90 डिग्री इट इज ऑफ नॉट मेजर 90 डिग्री ठीक है ये तो इतना हो गया आपका P एंड negation Q का हमने लिखा ये. एंड एंगल इज द राइट एंगल एंड इट इज ऑफ नॉट मेजर 90 डिग्री फिर देखो यहाँ पे दिया है और तो आप यहाँ पे लिखोगे और अब ये आप रीड करोगे पहले क्यू है तो क्यू क्या दिया है इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री तो आप लिखोगे एन an एंगल ठीक है इट की जगह पे एन एन एंगल एंगल लिख दो इज ऑफ मेजर ठीक है एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री फिर क्या आएगा एंड तो लिख दो यहाँ पर एंड फिर क्या लिखा है निगेशन पी तो निगेशन क्या पी क्या लिखोगे एंड एंगल इज नॉट अ राइट एंगल ठीक है तो आप लिखोगे निगेशन पी मीन्स एंगल इज नॉट अ राइट एंगल तो यहाँ पे लिखोगे एंड इट इज आएगा एंड इट इज नॉट अ राइट एंगल लिख दो यहाँ पे एंड इट इज नॉट अ राइट एंगल तो यह आपका फाइनल आंसर आएगा देअर फॉर निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या आ गया आंसर एंड एंगल इज अ राइट एंगल एंड इट इज ऑफ नॉट मेजर नाइन्टी डिग्री और एंड एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री एंड इट इज नॉट अ राइट एंगल तो ये हमने सॉल्व कर दिया अब देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है कांचन जुंगा इज इन इंडिया एंड एवरेस्ट इज इन नेपाल तो हमें इसका निगेशन लिखना है तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो पहले बिंदो स्टेटमेंट पी लिखता हूँ कांचन जुंगा इज इन इंडिया तो राइट स्टेटमेंट पी कांचन जुंगा इज इन इंडिया लिख दो ठीक है गा इज इन इंडिया अब स्टेटमेंट क्यों लिख दो आप स्टेटमेंट क्यों क्यों क्या आएगा एवरेस्ट इज इन नेपाल तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेस्ट हा एवरेस्ट इज इन नेपाल एवरेस्ट इज इन नेपाल अब सिम्बॉलिक फॉर्म लिखोगे आप सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर सिम्बॉलिक फॉर्म हाँ देअर फोर फॉर्म लिख दो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा देखो यहाँ पे पहले आ, कांचन जुंगा इज़ इन इंडिया तो पी आएगा यहाँ पे ठीक है एंड दिया है तो कंजंक्शन यहाँ पे एंड एवरेस्ट इज इन नेपाल तो आपका देखो क्यू आएगा अब इसका हमें निगेशन लेना है सो देयर फोर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू फार्मूला आपको पता ही है निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है ये हो जाएगा निगेशन पी एंड का और हो जाता है निगेशन क्यू तो जो गिवन स्टेटमेंट था उसे हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा सिंबोलिक फॉर्म का निगेशन लिखा अब इसे हम वर्बल फॉर्म में लिखेंगे तो फाइनल आंसर आएगा मैं लिखता हूं कैसे रीड करोगे कांचन जुंगा इज नॉट इन इंडिया तो राइट कांचन जुंगा इज नॉट इन इंडिया लिखेंगे हम लोग कंचन जुंगा इज नॉट इन इंडिया फिर देखो यहाँ पे और है तो आप और लिखोगे निगेशन क्यू है तो एवरेस्ट इज नॉट इन नेपाल और राइड एवरेस्ट हा? एवरेस्ट इज नॉट इन नेपाल लिखेंगे हम लोग एवरेस्ट इज नॉट इन नेपाल तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया नाउसे देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर टेन का यहाँ पर लिखा है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी आपको दिया है तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे स्टेटमेंट लेट पी फर्स्ट स्टेटमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन स्टेटमेंट क्यू लेंगे हम एक्स बिलोंग्स टू ए एंड स्टेटमेंट आर भी लेंगे हम यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू बी तो टोटल थ्री स्टेटमेंट लेंगे पी क्यू आर देर फॉर अब मैं सिम्बॉलिक फॉर्म लिखूंगा सिम्बॉलिक फॉर्म क्या दिया है इफ इफ और देन यूज़ किया है यानी कि क्या आएगा इफ दिस दैट मीन्स इफ पी तो क्या आएगा देखो आपका पी इम्प्लाइज बाद में दिया है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी तो ये हो जाएगा क्यू एंड आर देखो पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया गिवन स्टेटमेंट का अब इसका हमें निगेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग तो ये एक्चुअली निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है देखो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला मालूम है आपको निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू फॉर्मूला आपको पता है ये होता है पी एंड निगेशन क्यू यही फार्मूला मैंने यूज किया देखो पी एंड निगेशन क्यू के प्लेस पे ये पूरा आएगा आपका पी एंड निगेशन क्यू एंड आर ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा पी एंड अब निगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज करो तो फॉर्मूला पता है निगेशन क्यू एंड का और हो जाएगा निगेशन आर तो ये हो गया आपका देखो निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न अब मैं उसे वर्बल फॉर्म में लिख दूंगा तो कैसे लिखोगे पी एंड है ना और पी क्या है आपका पी है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी फिर ये एंड है देखो एंड लिखा निगेशन क्यू है तो इसका निगेशन लिख दो एक्स बिलोंग्स टू ए है आप लिखोगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए फिर देखो और है तो मैंने और लिखा निगेशन आर गिवन स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू b तो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन नंबर टेन में टोटल फाइव सब क्वेश्चन था ऑल फाइव सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा नाउ क्वेश्चन नंबर फोर का देखो इलेवन सब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न तो फर्स्ट हमें देखो दिया है P एंड निगेशन Q डबल इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P तो इसका हमें ट्रुथ टेबल फॉर्म करना है तो टोटल यहाँ पे दो स्टेटमेंट है एक P एंड Q तो देखो फर्स्ट कॉलम आपका P आएगा सेकेंड कॉलम आपका Q आएगा और बाकी के जो कॉलम्स है जैसे आपने को स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो दो स्टेटमेंट हो गया पहले P एंड Q तो फिक्स हो गया आपका देन देखो क्या चाहिए हमें निगेशन क्यू चाहिए तो मैंने निगेशन क्यू का एक कॉलम बना दिया है बाद में ये देखो ब्रैकेट है पी एंड निगेशन क्यू उसका एक कॉलम हो जाएगा फिर देखो क्यू एम्प्लाइज पी का एक कॉलम आएगा और उसके बाद फिर जो है ये जो एंटायर स्टेटमेंट पैटर्न है उसका एक कॉलम आएगा तो ये वैसे आपको ट्रूथ टेबल फॉर्म करना है और रूल्स आपको पता ही है पी एंड क्यू दोनों स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन क्या आता है आपको मालूम है दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फिर फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स हो सकता है या फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू हो सकता है या फिर देखो दोनों भी फॉल्स हो सकता है कैसे लिखना रहता है जब आपको दो स्टेटमेंट दिया रहेगा तो पी का जो वैल्यू है पहले दो बार टी लिखना है बाद में फिर दो बार एफ और जो क्यू का वैल्यू है उसे टी एफ टी एफ ऑल्टरनेट आपको रखना है तो ये तो दो आपका फिक्स हो जाता है उसके बाद देखो नेक्स्ट कॉलम है निगेशन Q तो T का निगेशन F हो जाएगा F का निगेशन T हो जाएगा T का निगेशन F हो जाएगा F का निगेशन T हो जाएगा उसके बाद में दिया है P एंड निगेशन Q यानी कि ये और ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का कंजंक्शन चाहिए तो कंजंक्शन का रूला आपको मालूम है दोनों T रहेगा तो T आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा तो देखो T एंड F F हो जाएगा T एंड T तो T आएगा F एंड F F हो जाएगा F एंड T ये भी F आएगा नेक्स्ट है Q इम्प्लाइज P तो Q इम्प्लाइज P मतलब T इम्प्लाइज F F होता है बाकी सब ट्रू तो Q इम्प्लाइज P है T इम्प्लाइज T तो आप T लिखोगे F इम्प्लाइज T देखो T आएगा T इम्प्लाइज F तो F हो जाएगा F इम्प्लाइज F तो ये T आएगा अब देखो लास्ट कॉलम आपका है लास्ट कॉलम आपका एंटायर क्वेश्चन है यानी कि एंटायर स्टेटमेंट पैटर्न है तो अभी ये जो कॉलम मिला है देखो हमारा ये जो कॉलम है P एंड निगेशन Q और ये जो कॉलम है Q एंड Q इम्प्लाइज P इन दोनों कॉलम का हमें क्या चाहिए डबल इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन का रूल होता है दोनों का ट्रुथ वैल्यू अगर सेम होगा तो ट्रू आएगा ट्रुथ वैल्यू अगर डिफरेंट होगा तो फॉल्स आएगा देखते हैं डिफरेंट है फॉल्स आएगा ट्रुथ वैल्यू सेम है तो ट्रू आएगा ट्रुथ वैल्यू सेम है ट्रू तो आएगा डिफरेंट है फॉल्स आएगा तो ये जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था वो हमने ट्रूथ टेबल फॉर्म कर दिया है अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है निगेशन P और Q कंजंक्शन निगेशन P एंड निगेशन Q तो यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट है P एंड Q तो हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट लेंगे P एंड Q अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट पैटर्न हम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर बनाएंगे देखो निगेशन P है तो मैंने निगेशन P का एक कॉलम बना दिया बाद में निगेशन Q भी है तो मैंने निगेशन Q का भी एक कॉलम बना दिया देन देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट निगेशन पी और क्यू है तो निगेशन पी और क्यू का एक कॉलम बनेगा उसके बाद देखो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का एक कॉलम बनेगा और जो लास्ट कॉलम आपका बनेगा वो एंटायर स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम बनेगा तो जब दो स्टेटमेंट रहेगा पी एंड क्यू तो टोटल फोर कॉम्बिनेशन होता है रूल्स आपको पता है स्टेटमेंट पी को आप दो बार टी लिखोगे बाद में दो बार एफ लिखोगे और जो स्टेटमेंट क्यू है उसे आप ऑल्टरनेट टी एफ टी एफ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसे नेक्स्ट कॉलम है निगेशन पी तो देखो ट्रू का निगेशन फॉल्स टी का निगेशन फॉल्स फॉल्स का निगेशन ट्रू फॉल्स का निगेशन ट्रू हो गया नेक्स्ट आपका निगेशन क्यू है तो सेकेंड कॉलम का निगेशन ले लो टी का निगेशन देखो एफ एफ का निगेशन टी टी का निगेशन एफ एफ का निगेशन हमने टी लिख दिया नेक्स्ट है निगेशन पी और क्यू है तो निगेशन पी और क्यू यानी कि ये निगेशन पी है और ये देखो आपका क्यू है इन दोनों को कंबाइन करना है यानी कि इन दोनों का हमें क्या लेना है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का रूल आपको पता है दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स बाकी सब ट्रू तो दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू आएगा दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा ये भी ट्रू आएगा ये भी आपका ट्रू आएगा नेक्स्ट कॉलम है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ठीक है ये देखो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू यानी कि इन दोनों कॉलम का हमें लेना है कंजंक्शन और कंजंक्शन का रूल होता है दोनों टी रहेगा तो टी नहीं तो फिर एफ दोनों टी नहीं है तो एफ आएगा दोनों टी नहीं है एफ आएगा दोनों टी नहीं है एफ आएगा दोनों, दोनों, दोनों टी है तो टी आएगा लास्ट कॉलम आपका क्वेश्चन है एंटायर स्टेटमेंट पैटर्न निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू यानी कि इन दोनों कॉलम का हमें कंजंक्शन लेना है तो टी एंड एफ एफ होता है एफ एंड एफ एफ होगा टी एंड एफ एफ होगा टी एंड टी तो ये देखो आपका टी हो जाएगा तो सेकेंड सब क्वेश्चन का भी ट्रुथ टेबल हमने फॉर्म कर दिया बहुत ईजी है जस्ट आप रूल ध्यान में रखो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा सी क्वेश्चन में इलेवन का देखो हम लोग थर्ड सम सॉल्व कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न तो यहाँ पर देखो आपको दिया है पी एंड आर इम्प्लाइज पी और निगेशन क्यू हमें दिया हुआ है सो so यहाँ पर टोटल थ्री स्टेटमेंट है पी क्यू एंड आर तो जब थ्री स्टेटमेंट रहेगा तो टोटल एट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आता है फॉर ईच स्टेटमेंट तो हम क्या करेंगे इसका रूल है स्टेटमेंट पी को आप जो है फ़ोर टाइम्स पहले ट्रू लिखोगे ये थ्री टाइम्स ये फोर टाइम्स हो गया बाद में आप फोर टाइम्स इसे एफ लिखोगे ठीक है तो स्टेटमेंट टी को पहले फोर टाइम्स टी और बाद में स्टेटमेंट पी को पहले फोर टाइम्स ट्रू देन नेक्स्ट फोर टाइम्स फॉल्स हो गया जो स्टेटमेंट क्यू है उसे लिखने का रूल होता है टू टाइम्स ट्रू लिखोगे आप फिर टू टाइम्स फॉल्स लिखोगे टू टाइम्स ट्रू टू टाइम्स फॉल्स ये रूल होता है देन जो स्टेटमेंट आर है स्टेटमेंट आर को हम ऑल्टरनेट लिखेंगे ट्रू फॉल्स सो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ये ट्रू फॉल्स ये देखो आपका ट्रू फॉल्स हो गया उसके बाद है P एंड R तो कंजंक्शन का रूल आपको मालूम है दोनों ट्रू रहेगा तो कंजंक्शन ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आता है तो देखो यहाँ पे P एंड R में लेना है कंजंक्शन दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा ये फॉल्स आएगा देखो आपका ये भी फॉल्स आएगा दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स ये भी फॉल्स आएगा और लास्ट का भी फॉल्स आने वाला है नेक्स्ट कॉलम है निगेशन क्यू तो क्यू का निगेशन ले लो तो देखो यहाँ पे टू टाइम्स टी था तो ये टू टाइम्स आपका एफ़ हो जाएगा फिर ये देखो आपका टी टी हो जाएगा फिर यहाँ पर आएगा आपका एफ एफ हो जाएगा और ये देखो आपका टी टी हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम है पी और निगेशन क्यू तो ये पी है और ये निगेशन क्यू है तो p एंड निगेशन क्यों का क्या लेना डिसजंक्शन रूल आपको पता है दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा बाकी सब ट्रू आता है तो p और निगेशन q तो ये देखो आपका हो जाएगा ट्रू फिर ये भी देखो आपका ट्रू हो जाएगा दिस इज़ ऑल्सो ट्रू ये भी देखो ट्रू आएगा ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ये ट्रू आएगा और ये भी देखो आपका ट्रू आएगा अब लास्ट कॉलम देखो मैंने लिखा है ए इम्प्लाइज बी ए और बी कहाँ से लिखा स्पेस कम था तो मैंने क्या किया ये जो पी एंड आर है उसे मैंने ए आजूम कर लिया एंड पी और निगेशन क्यू को मैंने बी एजूम कर लिया तो मुझे क्या चाहिए ए इम्प्लाइज बी चाहिए दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज़ दिस तो रूल तो पता है टी इम्प्लाइज टी देखो टी होता है एफ इम्प्लाइज टी टी आएगा टी इम्प्लाइज टी टी एफ इम्प्लाइज टी ए बी टी आएगा एफ इम्प्लाइज़ एफ टी होता है एफ इम्प्लाइज़ एफ टी एफ इम्प्लाइज़ टी टी आएगा एफ इम्प्लाइज टी टी आएगा तो ये जो आपका ट्रूथ टेबल बना है ये टॉटोलॉजी है बट हमें पूछा नहीं है कि क्या है टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्स्टिजन्यूसी कुछ पूछा नहीं है बट लास्ट कॉलम आपको ऑल ट्रुथ वैल्यू ट्रू मिल रहा है दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये टॉटोलॉजी है तो ये ट्रूथ टेबल हो गया अब नेक्स्ट देखो फोर्थ वन फोर्थ वन भी देखो आपको दिया है पी और आर इम्प्लाइज निगेशन क्यू एंड आर तो यहाँ पर भी थ्री स्टेटमेंट है पी क्यू एंड आर तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा आपको स्टेटमेंट पी को आपको लिखना है फोर टाइम्स ट्रू हाँ ये देखो फोर टाइम्स ट्रू हो गया बाद में आपको लिखना है फोर टाइम्स इसे फॉल्स लिखना है दिस वे स्टेटमेंट क्यू को टू टाइम्स ट्रू टू टाइम्स फॉल्स लिखना है तो देखो टू टाइम्स ट्रू हो जाएगा और ये देखो आपका टू टाइम्स फॉल्स हो जाएगा टू टाइम्स आपका ट्रू हो जाएगा टू टाइम्स आपका ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट आर को आपको लिखना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ये देखो ट्रू फॉल्स और ये ट्रू और ये देखो फॉल्स हो गया नेक्स्ट है पी और आर यानी कि पी एंड आर में आपको डिसजंक्शन लेना है तो देखो टी टी है तो टी आएगा टी एफ तो भी टी आएगा टी टी दिस इज टी टी एफ है तो टी आएगा एफ है, तो टी आएगा, एफ है तो भी टी आएगा एफ एफ है तो ये एफ हो जाएगा एफ़ टी टी आएगा और ये एफ 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 आने वाला है ठीक है नेक्स्ट कॉलम में q एंड r, तो ये q है और ये r है दोनों का कंजंक्शन चाहिए और कंजंक्शन का रूल होता है दोनों t रहेगा तो t, अदरवाइज f आता है तो देखो दोनों t है तो t लिख दिया ये f हो जाएगा आपका ये भी f हो जाएगा दिस इज़ ऑल दोनों f है तो भी f ही रहने वाला है ये दोनों t है तो ही T आएगा हाँ ये देखो F हो जाएगा ये देखो ये भी एफ हो जाएगा आपका और लास्ट का भी देखो एफ हो जाएगा दिस वे उसके बाद देखो नेक्स्ट कॉलम है निगेशन ऑफ क्यू एंड आर यानी कि ये कॉलम का आपको निगेशन लेना है तो ये देखो आपका फॉल्स हो जाएगा दिस इज ट्रू दिस इज ट्रू ये ट्रू है ये फॉल्स हो जाएगा ये ट्रू है दिस इज ट्रू दिस इज ट्रू, ट्रू लास्ट कॉलम है ए इम्प्लाइज बी दिस इम्प्लाइज़ दिस बराबर ना स्पेस कम था इसलिए मैंने इसे ए आजूम कर लिया इसे बी एजूम कर लिया है तो आपको निकालना है दिस इम्प्लाइज दिस ए इम्प्लाइज बी तो दिस इम्प्लाइज़ दिस हाँ टी इम्प्लाइज एफ़ मालूम एफ़ आएगा टी इम्प्लाइज टी टी आएगा टी इम्प्लाइज टी ए बी टी हो जाएगा टी इम्प्लाइज टी 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 इम्प्लाइज एफ़ मालूम एफ़ होता है एफ इम्प्लाइज टी टी आता है टी इम्प्लाइज टी ए बी टी आएगा एफ इम्प्लाइज टी टी आएगा तो ये देखो आपका ट्रुथ टेबल फॉर्म हो गया तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल तो यहाँ पर क्वेश्चन है पी और निगेशन क्यू है इम्प्लाईज आर एंड पी आपको दिया है तो अगेन यहाँ पर थ्री स्टेटमेंट है पी क्यू एंड आर तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट कॉलम आपका बनेगा पी क्यू आर बाद में देखो निगेशन क्यू चाहिए तो मैंने निगेशन क्यू का एक कॉलम बनाया देन पी और निगेशन क्यू चाहिए तो हमने पी और निगेशन क्यू का कॉलम बना दिया है देन देखो यहाँ पे आर एंड पी का एक कॉलम बनाया और जो लास्ट कॉलम है वो एंटायर स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम आ गया यानी कि क्वेश्चन आ गया वो सो हम टेबल फॉर्म करते हैं यहाँ पर तो रूल आपको पता है जब थ्री स्टेटमेंट रहेगा तो टोटल एट कॉम्बिनेशन आता है स्टेटमेंट पी को हम फर्स्ट फोर टाइम्स टी लिखेंगे हाँ दिस वे नेक्स्ट फोर टाइम्स हम फॉल्स लिखते हैं ये रूल है जब आपको थ्री स्टेटमेंट दिया जाएगा तब स्टेटमेंट क्यू को हम टू टाइम्स ट्रू लिखेंगे उसके बाद टू टाइम्स देखो फॉल्स लिखेंगे टू टाइम्स हम ट्रू लिखेंगे टू टाइम्स देखो यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे स्टेटमेंट आर को हम ट्रू लिखेंगे फिर फॉल्स लिखेंगे फिर ट्रू फिर फॉल्स देन ट्रू और ये फॉल्स देन ट्रू और ये फिर देखो फॉल्स हो जाएगा नेक्स्ट है तो देखो निगेशन क्यू यानी कि ये जो सेकेंड कॉलम है उसका निगेशन लिखेंगे ट्रू का निगेशन फॉल्स ट्रू का निगेशन फॉल्स फॉल्स का निगेशन ट्रू आएगा फॉल्स का निगेशन ट्रू आएगा ट्रू का निगेशन फॉल्स आएगा ट्रू का निगेशन फॉल्स आएगा फॉल्स का निगेशन ट्रू आएगा फॉल्स का निगेशन ट्रू आएगा दिस वे नेक्स्ट है P और निगेशन Q तो ये P हो गया और ये निगेशन Q हो गया दोनों का डिसजंक्शन लेना है P और निगेशन Q तो ये देखो आपका T आएगा ये भी T आएगा दिस इज ऑल्सो T ये भी T है ये दोनों एफ़ है तो एफ़ हो जाएगा दोनों भी एफ है तो एफ हो जाएगा ये टी आएगा और ये भी देखो आपका टी आएगा नेक्स्ट कॉलम है आर एंड पी तो आर कंजंक्शन पी तो देखो आर एंड पी में कंजंक्शन चाहिए तो दोनों टी रहेगा तो ही टी आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा तो ये देखो आपका आर एंड पी है दोनों टी है तो टी आएगा उसके बाद फिर देखो ये एफ आएगा देन तो यहाँ पर दोनों टी है तो टी आएगा ये देखो आपका एफ आएगा देन यहाँ पे F आएगा दिस ये भी देखो आपका F आएगा और जो बाकी रिमेनिंग है वो भी आपका F आएगा लास्ट कॉलम एक क्वेश्चन यानी कि स्टेटमेंट पैटर्न पूरा है सो दिस कॉलम P और निगेशन क्यू इम्प्लाइज R एंड P इम्प्लीकेशन का रूल तो आपको पता है T इम्प्लाइज F F होता है बाकी सब आपको ट्रू लिखना है तो टी प्लाइज टी टी टीम प्लाइज एफ एफ ये देखो ट्रू आएगा टी प्लाइज एफ एफ आएगा दिस इज़ ऑल्सो ट्रू दिस इज़ ऑल्सो ट्रू ये फॉल्स आएगा और ये फॉल्स आएगा तो ये जो फिफ्थ सब क्वेश्चन था उसका ट्रुथ टेबल भी हमने फॉर्म कर दिया सो माय डियर स्टूडेंट थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज वन दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक का जो क्वेश्चन नंबर फोर का हमने क्वेश्चन नंबर नाइन से लेकर क्वेश्चन नंबर इलेवन तक का ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा तो रिमेनिंग पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत बोलना और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में